दोस्तों, स्किबिडी टावर डिफेंस मैच का है न्यू अपडेट एंड विल बी इस वाले अपडेट के अंदर गेम में ये न्यू सेंट पैट्रिक डे इवेंट क्रिएट, जिसके अंदर अपने को मिल रहे हैं भैया लैप्राकोन कैमरामैन, सैम रॉक स्पीकर मैन, लकी टीवी वूमेन एंड टाइटन क्लोवर मैन। वो लेट सी अपने को क्या मिल सकता है। मेरे पास हो चुकी है भैया क्या बोले उसको थोड़े से जेम्स, तो एक क्रिएट ओपन कर लेती लग रहा तो अपने को हाँ मेरा सब लगभग ऑन है। अगर लक रहा तो अपने को ये मिल जाएगा, अदरवाइज आई नो ये मेरे को नहीं मिलेगा। मेरा लक उतना एपिक नहीं है एक्चुअली, है ना। लेजेंडरी भी मिल गया ना, मैं उसमें भी हैप्पी हूँ, इवन तो वो भी नहीं मिलेगा मुझे बेरास है। एंड वी गेट एपिक वन, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मुझे पता है मेरे लक के बारे में। ओके हाँ चलो ठीक, ये तो ये सही, इसी को ट्राई कर लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और कर लेंगे। ओके तो यहाँ आ जाती हैं, अपने न्यू यूनिट सेट कर लेती हैं। और बाय द वे मेरे को ऑफलाइन भी वो अपनी पेंसिल वाली क्रेट आई थी ना, यस मैंने वो भी ट्राई की। एंड वेट पहले इनको देख लेते हैं, देन उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ओके तो क्या ये बंदा भैया अपना एओई वाला है, आई एम नॉट श्योर बट ट्राई करेंगे इसको, है ना। और उसके अलावा एक मिला था मेरे को पेंसिल गाय, ये वाला, यस मैंने ओपन की बट मैंने इतना देखा नहीं है एक्चुअली, है ना। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग है, और उसके अलावा या ये वाली है लिटरली हर एक मैटर में बेस्ट है भाई उससे, तो ठीक है। तो एक काम कर लेती आ जाती हैं यहाँ पर। एंड स्पॉटलाइट वूमेन बेल चाहिए, ये चाहिए, ये आज नहीं लेते और ये भी नहीं लेते, कुछ और ले लेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो आज अपन ट्राई करने वाले हैं इस छोरे को एंड इसको, यस एंड इनको अपन ट्राई करेंगे यस हार्ड मोड में। एंड वेल हार्ड मोड नॉर्मल वाला नहीं, 2x हार्ड मोड, जी हाँ। तो शिट मेरे पास आई गेस पैसे नहीं है, राइट नहीं आई गेस मैं अपने पेंसिल वाले बंदे को तो यूज कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, ब्रो मार ब्रोदर भाई, ओ एक सेकंड का कूलडाउन इसका, सही है, बुरा नहीं है। तो साइंटिस्ट तो प्लेस कर ही देते हैं बिकॉज अपने को पैसा भी चाहिए होगा, इसको अपग्रेड कर देते हैं, एक और प्लेस कर देते हैं। एंड क्या तेरे को मैं अपग्रेड कर सकता हूँ ब्रो, कांट, कोई बात नहीं कर देंगे, ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ये लोग उतने पावरफुल नहीं है कि भैया निकल जाए मेरे से, इवन तो निकल भी जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इस छोरी को अपग्रेड कर देते हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, बाढ़ में जान दो अपन अपने इसको यूज करते हैं, ओ इसकी रेंज भी अच्छी है भाई, है ना। डेफिनेटली तो इसको मैं एक्चुअली यहाँ लगा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ही बंद तू किसको ही मार लेगा ओह शिट, मेरे को एक्चुअली बंदी प्लेस कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा अपने साइंटिस्ट, यस। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज अपन ये वाला मैच हार सकते हैं, क्योंकि भाई कंडीशन उतनी अच्छी मेरे को लग नहीं रही, ये दोनों बंदे उतना अच्छा मार नहीं रहे। एक काम कर लेती हालात सुधारने के लिए कि अपन हार ना जाए, अपन एक ये प्लेस कर देते हैं मैं मतलब एटलीस्ट भाई अपन हारे नहीं, जय है बात, मतलब इनकी पावर तो ट्राई करनी है बट गेम भी जीतना है, मतलब सेकेंडरी रीजन गेम भी जीतना है अपने को। एंड वाह अरे वाह, उतना मतलब दोनों भाइयों में ज़्यादा कुछ है नहीं बट स्टिल बुरा नहीं है, ठीक ही है। एंड ले भैया मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये छोरा अगर जिंदा पहुंच गया तो मेरे एल लगा देगा, सो आई सपोज मेरे को एक बंदा यहाँ प्लेस कर देना चाहिए लाइक ये वाला, एंड इसको थोड़ा सा अपग्रेड भी कर देना चाहिए, खत्म या डेफिनेटली खत्म। और पहले तो इसको अपग्रेड करने दो क्योंकि पैसा है मेरे पास, और दूसरी बात कि भैया इसको अपग्रेड करेंगे तो ये पावरफुल बनेगा बट उतना भी नहीं जितना ये एक्सपेक्ट की, बट नहीं भाई ये वाला सबसे बेस्ट लगा मेरे को, ये एओई वाला सब में बेस्ट भाई, ठीक है। बट आज मेरे को ये छोरी छपाटे भी ट्राई करने हैं तो इनको भी तरीके से यूज कर लेती हैं, है ना ये तो भाई लिटरली कौवे की तरह चोंच मार रहा है व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, अगर इनको जल्दी जल्दी नहीं कूटा तो अपने एल लग जाएंगे। सो पहले मेरे हिसाब से इसको 600 वाली अपग्रेडिंग दे देते हैं ताकि ज़्यादा बंदे आए ना, और मैं टिल यहाँ इनको भैया अपग्रेड कर दूँ सही रहेगा, ओके। एंड बोल भैया नेक्स्ट अपग्रेडिंग के बाद ये बंदा एपिक हो जाएगा, देन ये सभी को उधेड़ देगा भाई।
बट उसके लिए भैया 3,500 भी चाहिए। हाँ रेंज भी एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं है, बट भाई नॉर्मल वाइज ठीक है। एपिक बनता भैया, लेजेंडरी मिथिकल होता तो अपन कंप्लेन करते अच्छे लगते, बट इसमें तो क्या ही कंप्लेन करूँ भाई, मतलब है जो है ठीक है। प्रो नहीं। भाई उन दोनों को छोड़ो, इसे देखो तुम तो, ये है भैया बेस्ट यूनिट। ओके एओई वाला साउंड बूम भाई बेस्ट लगा मेरे को, मतलब जिस स्पीड में ये मार रहा है ना कतई जहर। एंड बाय द वे ब्रो तू अपग्रेड मैक्स ऑब्वियसली नहीं है, हो जा इवन तो तेरे को अपग्रेड मैक्स करने का तात्पर्य फील हो नहीं रहा, बट स्टिल ब्रो तुझे भी कर देती है भाई। ये देखो तुम, ये सबसे बेस्ट भाई 500 0.2 20, मतलब इवन तो हाँ आई नो इसका डैमेज अच्छा खासा है, बट 7000 DPS है इसका, और इस वाले का कम है, बट एओई वाला है, जितना भी है एओई वाला है। ओके एंड बोल ये बंदा अब जिंदा आएगा एंड देन मैं तुम्हें इसकी शक्तियां दिखाऊंगा। हाँ नहीं आया, ओ भाई साहब अपना ये कौआ बढ़िया है यार सफेद कौआ पेंसिल वाला, ही आई लाइक इट ब्रादर आई लाइक इट। तो यहाँ थोड़ी सी और प्लेस कर देते हैं, इन लोगों की जिंदगी थोड़ी सी और हराम कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड तक अपने पास थोड़ा और पैसा हो जाएगा, देन अपन और भी यूनिट ओपन करेंगे है ना। एंड ये बंदा अच्छा है, सोचो भैया लेजेंडरी वाला कैसा होगा। तो फिर एंड वेल जहाँ तक मुझे याद है भैया, मैंने अपने इन बंदों को अभी तक इनसेन मोड में ट्राई नहीं किया, राइट आई गेस मेरे को ट्राई करने चाहिए भाई, मेरे को लग रहा है कि ये बंदे कुछ खतरनाक कर सकते हैं। एंड अब मेरे हिसाब से यहाँ पर ये थोड़े बहुत और बंदे प्लेस करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यस तो थोड़े बहुत और प्लेस कर देते हैं। एंड भाई इनका डैमेज लिटरली नेक्स्ट लेवल है, अब देख रहे हो तुम ये भाई खत्म। यस अब ये लोग और भी पावरफुल बन चुके हैं, तो नहीं इनको डिफीट करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। नो इल्ले भाई आद मतलब छोटे बड़े बच्चों को तो ये हैंडल कर लेंगे, देन जो बड़े बड़े भूत पिशाच आएंगे उनको ये अपने वो बंदे हैंडल कर लेंगे। यानी अपने लिए गेम जी आज इतना ईजी है, वैसे भी ये हार्ड मोड है। हाँ इसमें जीतने पर अपने को 90 कॉइंस मिलेंगे, तो वो भी बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है। और एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं भाई, अपना एक कौवा अपन यहाँ लगा देते हैं, देन दोनों भाई मिलकर ठोक मारेंगे, बट एंड वी आर आउट ऑफ मनी। ओ बाय द वे ब्रो तू वहाँ क्या कर रहा है, सॉरी मतलब तू वैसे भी यूजफुल नहीं था ब्रो, बुरा मत मानियो ब्रो, दिल पे बात मत लेना एक्चुअली है ना अभी मेरे को इन बंदों की नीड यहाँ ज़्यादा है। और भैया ये हो गए अपने दो पहरेदार, जो वहाँ से आने वाली बंदों को यहीं पर अधमरा कर देंगे, और देन ये लोग उन्हें संपूर्णतः अधमरा कर देंगे। और बाय द वे एक काम कर लेते हैं, लेट देम सेल, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर एक ये प्लेस करना है, ये बेस्ट रहेगा ये बंदों को भैया स्लो कर देगा और देन उनको पीटना आसान हो जाएगा। और उसके अलावा ये यहाँ ये प्लेस कर देती, गिव हिम मैक्स अपग्रेडिंग, एंड देन एक बंदा अपन यहाँ प्लेस कर देते हैं एंड ऑल्सो गिव हिम मैक्स अपग्रेडिंग, मच बेटर। और वेल अब अपना जीतना कन्फर्म सही मानो मुझे तो फील हो नहीं रहा कि भैया कोई इनसे जिंदा बच के जा पाएगा, बट I really don't think so कि भैया इनसे कोई भी जिंदा बच जाएगा। एंड वेल ये है अपना पहला मेन यूनिट जो कुछ कर सकता है, मे बी है ना, लेट सी। तू ब्रो 7,000 के डैमेज में तो क्या ही टिकेगा, राइट हाँ नशे करवा देगा जब, अलग बात है। आओ स्टिल मर गया मतलब भाई ये तो वो हो गई बात कि चीटिंग भी की एंड फेल भी हो गया ओ भाई नॉट बैड यार, सही मार रही है छोरी भाई। ओके ओ भाई ये देखियो जाने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बन के जा रहा है कहीं चमकता हुआ। एंड ना मुझे तो फील ना हो रहा कि ये लोग जिंदा पहुंच पाएंगे, अपने को हरा पाएंगे, बट ना ले खत्म सारी के सारी खत्म। एंड तू भी ब्रो, यस तू भी, ये लास्ट है भाई दुबे, और वो भी खत्म हो गया भाई यूनिट बुरे नहीं अच्छे हैं एक्चुअली है ना। एंड नेक्स्ट एपिसोड में अपन ट्राई करेंगे लेजेंडरी बंदा, मे बी मिथिकल, मे बी गॉडली अगर हो जाए तो, बट आज के लिए बस इतना ही।